हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा। सीमा के चैनल पर मेरे दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक अच्छा सा DIY लेके आई हूँ कि मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे लगाएं। बहुत लोग नहीं जानते हैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे लगाया जाता है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं बताती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे लगाएं और फेस पर डबल निखार कैसे पाएँ, और मुल्तानी मिट्टी के कितने फ़ायदे हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन लगाने का तरीका किसी किसी को नहीं पता होता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और वीडियो शुरू करती हूँ, ठीक है। मैंने ले रखा है खाली कटोरी और उसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। 1 चम्मच हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करूँगी इसमें, और मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी, 1-2 चीज़, वो है लेमन। मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी 1 चम्मच से थोड़ा कम, 1 चम्मच में हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा फेस पैक है। सॉरी, इसमें बीज आ गया नींबू का। हम इसमें लेमन ऐड करेंगे और इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है गुलाब जल। गुलाब जल से हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसको। बस हमें यही 3 चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं लेना है। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। अगर आप इसे डेली लगाते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं इसको अपने रूटीन में, तो आपको जो डबल निखार क्या बहुत ही तिबल चौगुना निखार देता। इंसान गोरा नहीं होता, लेकिन उसके सारे फेस के दाग धब्बे, चेहरे पर रौनक, स्किन वाइटनिंग हो जाती है। मतलब 2 से 3 सेट तक वो निखार ला सकता है अपने फेस पर, ठीक है, क्योंकि सन टैनिंग हो जाती है, बाहर डस्ट धूल बहुत सारे जमा हो जाते हैं, फेस का सारा फेस ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसे DIY अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं खरीदना है। एक बार अगर मुल्तानी मिट्टी आपने पैक ले लिया तो आपके काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक चलेगा, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप फेस पैक लगाइए इसको। अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे लगाने का तरीका तो नहीं बताया, ठीक है। अब आप अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लीजिए। आपको इसको सूखने तक लगे रहने देना है, ठीक है। इसको सूखने तक लगे रहने देना है, फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो हल्का सा पानी लेकर के, हल्का छींटे मार करके अपने फेस पे, तब उसके बाद हल्के हल्के रब करके इसको आप छुड़ा लीजिए और नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपका चेहरा निखर कर बाहर आ जाएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। मेरे बातों पर मत यकीन करिए, खुद एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के मेरी वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तब भी, ठीक है। आप बता सकते हैं कि मेरे सारे वीडियो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे DIY लेके आती हूँ और सारे मैं अपने फेस पे ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के पास अपलोड करती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा छोटा सा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो जो ना मैं नया वीडियो लाऊं ताकि आपके पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।